हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे क्यूपिड लिमिटेड के बारे में जिसमें धमाकेदार न्यूज़ आई है। जी हाँ, क्वार्टर फोर के रिजल्ट तो अच्छे आए थे, वो सब हम लोग जानते हैं, और उसके बाद में मार्केट बंद होने के बाद एक धमाकेदार न्यूज़ आई है जिसके कारण हो सकता है कल इसमें अच्छी तेजी देखने को मिले। क्यूपिड का जो रेट था वो 133 था और 52 भी खाया था 142, और शेयर में हमें जो है थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, फ्लैट देखने को मिला था क्लोजिंग, क्योंकि मार्केट में थोड़ा पैनिक का माहौल था, मार्केट में करेक्शन हो रहा था। तो रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद भी शेयर ऊपर जाकर फिर से नीचे आ गया था, फ्लैट क्लोजिंग दिया था। कंपनी के रिजल्ट शानदार आए थे, जिन लोगों को याद नहीं होगा बता दूं, 8 करोड़ 9 करोड़ और अभी मार्च क्वार्टर में 24 करोड़, करीब करीब 3 गुना प्रॉफिट बढ़ा है, 300% से प्रॉफिट में जंप हुआ है क्वार्टर फोर में। इसके कारण शेयर में आगे आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है, और इसी बीच कंपनी की ओर से नोटिफिकेशन आया है और जिसमें कहा गया है कि कंपनी को बड़ा 23 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर मिला है, 60 लाख फीमेल कंडोम का ऑर्डर मिला है, 60 लाख फीमेल कंडोम का ऑर्डर क्यूपिड को मिला है। कौन से कंट्री से मिला है? ब्राज़ील से मिला है। ब्राज़ील से इन्हें 23 करोड़ की ऑर्डर मिली है, जो कि काफ़ी बड़ी ऑर्डर है कंपनी के हिसाब से। मैं आपको याद दिला दूं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का पूरे साल का रेवेन्यू कंपनी का 170 करोड़ है, 170 करोड़ का रेवेन्यू पूरे साल का है, और उसके सामने कंपनी को 23 करोड़ का एक बड़ा शानदार ऑर्डर मिला है, जो कि मार्केट बंद होने के बाद ये ऑर्डर आई थी। तो हो सकता है इसके कारण कल फिर से हमें क्यूपिड के शेयर में तेजी देखने को मिले। अभी कंपनी के रिजल्ट शानदार आया है, तो आने वाले दिनों में तेजी दिखा सकता है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया होगा तो आप स्टडी करके क्यूपिड को बाइंग के बारे में सोच सकते हो, जो कि बोनस और स्प्लिट के बाद में उसका रेट हो चुका है ओनली 133, जबकि 52 बिकाया था 142 रुपीस। आने वाले दिनों में 142 को क्रॉस करेगा तो ब्रेकआउट होकर शेयर और भी तेजी दिखा सकता है, जिसका EPS है 1.50 का, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.04 और PE है 89 का। तो रिजल्ट शानदार आए थे, जिसके कारण PE जो बहुत पहले महंगा हो चुका था अभी कम हो चुका है, और 23 करोड़ का ऑर्डर, ये बड़ी न्यूज़ आने के कारण हो सकता है कल के सेशन में हमें क्यूपिड में तेजी देखने को मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।